हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आपके लेकर आया हूँ स्पेशल सॉस, मोमोज की चटनी, वो भी विदाउट लहसुन प्याज, और वो भी टेस्ट बिल्कुल वही जो रोज आता है वही आज भी आएगा हमारी चटनी के अंदर। और आप लोग तो जानते, जो हम बोलते हैं वो हम करके दिखाते हैं। ये फार्मूला अभी इसी ही दिन, इसी नवरात्रों में जनरेट हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसे बांट लिया जाए। और बिना लहसुन प्याज के भी चटनी में कोई स्वाद का हेर फेर ना हो, तो ऐसा क्या किया जाए वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और अभी हमारी चटनी ये बन, जो हमको सामने बन दिख रही है, ये बन चुकी है। अब इसकी मैं आपको थिकनेस दिखाता हूँ। इसकी थिकनेस भी हमने बहुत जेन्युइन बनाई है, और इस वीडियो में बने रहेंगे तो आपको थिकनेस से लेकर चटनी तक का पूरा प्रोसेस आप समझ लेंगे, इसे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। और आपको मज़ा भी आएगा हमारे साथ इस सॉस को सीखने में, ठीक है। तो वीडियो में बने रहिए और देखिए हमारी चटनी की थिकनेस, ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। हमने 17 किलो चटनी बनाई है वो आज की डेट में, और ये तो हमने एक छोटे से बाउल में दिखा रहे हैं आपको, क्योंकि इसमें दिखाने से थोड़ा सेटलमेंट अच्छा होता है। मैं सीखाऊँ एक बंदे से देख कर कि ये चीज़ सिस्टम सही है, बॉल में छोटा से मैं और क्लियरिटी से सिस्टम अच्छा लगता है दिखाने में। मैं आपको बॉल में दिखाया, ठीक है। और इसकी थिकनेस भी बहुत मस्त बनी, चटनी भी मस्त बनी। आप इसे खा के बना के जैसे भी देख सकते हैं, देख लीजिए। और चलिए वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे से आप के लिए गलती हो चुकी है एक बहुत तगड़ी वाली। और वो गलती ये है फ्रेंड कि नवरात्रों में मैंने आपके लिए चटनी बनाई थी बिना लहसुन प्याज की, मोमोज की, वो भी बिल्कुल जेन्युइन और ओरिजिनल टेस्ट में। इस बात को आपको मैं बताना नहीं पाया क्योंकि मेरे पास बहुत लोड हो गया काम का, कि दिक्कत हो गई मुझे। वो मैंने एक समोसे दुकान खोली, अपनी नई वापस चालू कर दी, जिस वजह से मैं इस लाइन में उतरा था, वो लाइन भी फिर चालू हो गई है। और मैं बहुत दिक्कत में था, टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से मैंने ये चटनी आपके लिए बनाई तो मगर आपको दी नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, मैं आपको बिना प्याज लहसुन की चटनी बना के दूंगा, क्योंकि मैंने पहले बनाई थी फ्रेंड्स, किस जमाने में ट्राई करी थी, वो टेस्ट बड़ा बकवास आया था, मगर मैंने आपके लिए एक नया टेस्ट खोज लिया है। बिल्कुल सेम डिट्टो टेस्ट आएगा जैसा सटर दुनिया भर का आइटम डालने पाता था, वो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में समझा दूंगा, कम आइटम डाल के और वही टेस्ट। इस बात की भी आप चेक कर लेना, मेरी गारंटी होगी एक नंबर के स्वाद में चटनी आएगी, वरना तुम्हारा भाई तो बैठा है टॉन्स, ठीक है ना, आए तो कहना। और मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बता दूंगा कितना क्या 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 कैसे आइटम डालना आपको, ठीक है। तो चलिए चटनी की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई लहसुन नहीं है, प्याज नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको जो मेरी चटनी पहले देख चुका है उसको सब कुछ पता है पहले से ही, ठीक है। ये चटनी हमने पहले उबाल रखी है, ठीक है, मिर्ची उबाल रखी, टमाटर उबाल रखे, देखो फटे पड़े हैं टमाटर हमारे, तो हम लोग आपको पहले पूरी कहानी बता रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पहले बताया था, मैं क्वांटिटी बता दूंगा और आपको सिस्टम बता दूंगा। ये अदरक और मिर्ची टमाटर, ठीक है, ये तीन आइटम हमारे, ना इसमें लहसुन है ना इसमें प्याज है, ठीक है। और बहुत कम क्वांटिटी में आपको मैं बता दूंगा कि कैसे बनता है, ठीक है। हमने आपको मैं एक मिनिमम आइटम बता देता हूँ कि 200 ग्राम मिर्ची, अगर आप चटनी बना रहे 20 किलो, ठीक है, और मिर्ची अगर तेज करनी है तो 250 ग्राम मिर्ची डाल लीजिए आप, ठीक है, 250 ग्राम। और अगर आप कम बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग बनाइए, ठीक है। और टमाटर की कोई बड़ी बात नहीं होती, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप, मैं तो बहुत कम टमाटर डालता हूँ, हमारे को नहीं समझ में आती टमाटर। और इसमें कई वैरायटियां होती हैं जो हम बना रहे हैं, उसमें टमाटर हम कम डालते हैं, मगर नेपाली चटनी आप बनाओगे तो उसमें टमाटर आपको काफ़ी लगते हैं, वो भी मैंने वीडियो दे रखा है आपको, ठीक है। हमने इसमें 125-150 ग्राम मिर्ची ली है, हम 15-17 किलो के लगभग चटनी बनाएंगे। और अपना टमाटर लिए हमने, ज़्यादा नहीं लिए हमने, बस मात्र आधा किलो टमाटर लिए और 100 ग्राम अदरक लिया है, ठीक है। अब हम इसमें मिक्सी के जार में पीसेंगे, और ये हमने पहले उबाल रखा है, और उसको आप बोलो कितना उबालना है, मैं वो भी बताता हूँ आपको, इतना उबालना है सिर्फ आपको, कुकर में डाल लीजिए इसे और एक सीटी लगा लीजिए, ठीक है, कुकर में डाल लीजिए और एक सीटी लगा लीजिए, ज़्यादा नहीं,
ठीक है, एक ही सिटी में आपका हो जाए जितना, बस उसी को उसी से आपको गैस बंद कर लेनी है। ठीक है, ये देखिए बिना लहसुन प्याज की चटनी, वो भी बिल्कुल वही टेस्ट वैसी की वैसी। आप भी कहोगे कि भाई क्या जुगाड़ है, वाकई में जुगाड़ है यार ये। क्योंकि मैं इतने सालों से सोच रहा था, कभी नहीं कर पाया इस बात को, मगर आज आपको देख बना के दिखा रहा हूँ। अब इसे हम पीस लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे थोड़ा सा। ये देखिए फ्रेंड, हमने प्याज पानी डाल दिया, ये देखो हल्का हिल रहा है, आपको देख रहा होगा। ठीक है, देखो कोने में देखो ये रहा। ठीक है, ये आपको देख रहा, हमने पानी डाल दिया इसमें। अब इसको हम बंद करके इसे पीसेंगे। ठीक है, ये देखिए हम इसे पीस रहे हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पिस चुकी है, आपको आपको चटनी दिखाते हैं। तो देखिए ये हमारी चटनी पिस चुकी है, बड़ी जायकेदार। देखिए चटनी हमारी पिस चुकी है। अब जो हम मसाला पानी डालेंगे आप सामने, देखिए फ्रेंड्स हम डाल रहे हैं पानी से अभी चटनी में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गैस चालू कर दी है। ये देखो फ्रेंड्स, हमारी चटनी हमने उबाल रख दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं चटनी हमने उबाल रखी है। और इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। अभी देखिए आपको बता दूँ क्या क्या मसाले हमारे पास। हमारे पास सिरका है, अजीनोमोटो है, दाल रंग है और नमक है। और एक ख़ास मसाला है जो हमारी लहसुन हमारी लहसुन और प्याज की मात्रा को पूरा करता है। वो मसाला मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, वो बाद में ही डलता है। ठीक है, ये हमारी चटनी उबल रही है। अब तक देखिए फ्रेंड्स, आपको थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा होगा, मगर उसका भी कारण है जिसमें से गैस जल रही है। गैस की वजह से कैमरे में दिक्कत होती है, वो सारी प्रॉब्लम हो रही है। अब मैं आपको मसाला डाल के दिखा देता हूँ और बाकी मैं आपको गैस बंद करके दिखा दूंगा इसका सिस्टम क्या है और कैसे है। ठीक है फ्रेंड्स, डाल रहा हूँ मैं अपने सारे मसाले। सबसे पहले हम डाल रहे हैं तकरीबन आपका, हाँ, 200 ग्राम अजीना मोटा, 17 की स्पून में 200 ग्राम अजीना मोटा, 2-4 ग्राम लाल रंग। ठीक है, और 300 ग्राम 35 ग्राम नमक। ठीक है, हमें सीधा कम लगाना है, जैसे आपका प्योर नहीं है हमारा। एक हमें ढक्कन डालेंगे, बस ये हमने एक ढक्कन डाला। ठीक है, हमारे ढक्कन डल गए। अब इसमें उबाल आने दो, उबाल आने के बाद उसको और आगे कान समझा दूंगा इसमें क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, आज उबाल आ रहा है तो मैं मोबाइल में सारे रखूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी चटनी में उबाल आ गया है और हमारा एक लॉजिक समझो, इसे देखो, इसे ऐसे चला के चेक कर लो कितना आपका कलर है। देखो, अब देखो ये इतना कलर है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसमें और कलर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा चाहिए तो देख के, ठीक है, अगर आपको लग रहा है ठीक है मेरे हिसाब से तो यहीं से छोड़ दो। ठीक है, चला के हल्का सा चला के छोड़ दो क्योंकि उबल गई है। अब इसके लिए हम अरारोट घोलेंगे। ठीक है, ये देखो, देख रहे हैं ना, वो उबल गई है। अब इसके हम अरारोट घोलेंगे। ये रहा हमारा डब्बा। ठीक है, इसके हम अंदर करीबन 1.5 लीटर पानी डाल देंगे और 1.5 लीटर पानी में हम तकरीबन 3 पावर अरोट डाल देंगे।
ठीक है जी, 3 पाव जो नहीं समझ पा रहा हो उसको हम बता दें 750 ग्राम, ठीक है फ्रेंड्स, इतना अरारोट हम डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसके अंदर हम चलाएंगे हाथ, देखिए इस तरीके से हम हाथ चलाएंगे, ठीक है, हमारा ये घुल गया, देखिए हमारा ये घुल गया, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब इसे हम चटनी में डालेंगे, हमारी चटनी उबल गई, देखो देखो फ्रेंड्स उबल गई ना चटनी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। अब आपको मैं जाओ दिखाता हूँ, हमने पानी उबाल दिया, बढ़िया फर्स्ट क्लास, ठीक है, हमने पानी डाल दिया उबाल के, ठीक है फ्रेंड्स, ये देखो, और ये आप अपने आप टाइट होगा, देखो धीरे धीरे डालना है, ये देखो ऐसे इस तरीके चला चला के डालना है आपको, ये देखो ये अपने आप गाड़ी भी चली जाएगी, और जितने भी आपको गाड़ी छोड़नी हो उतनी आपको रोक लेना हाथ ऐसे करके, ठीक है, ये देखो आप चेक करो आपके लिए ठीक है कि और डालोगे, ठीक है, या ऐसे देखते रहो बीच बीच में, देखो हमारे लिए कम है अभी तो अभी हम इसमें और डालेंगे, हम तो अपने हिसाब से बना के थे हमें पता है, तो आपकी तो मर्जी है, जितनी गाड़ी आपको चेक करनी है उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं आराम से, देखिए ये हमारी चटनी तैयार, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए फ्रेंड्स चटनी तुम्हारी तैयार हो गई, अब ठीक है चटनी तुम्हारी तैयार हो गई, मगर अब आप क्या आती है सीक्रेट मसाले की बारी, ठीक है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है, मगर इसका ये वाला लॉजिक आपको मैंने नहीं बताया था, ये किस काम भी कहा जाता है, ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे ओरिगेनो सीजनिंग, ये देखिए ये डालेंगे हम करीबन 10 ग्राम, 10 ग्राम में आपका ये बढ़िया झकास काम कर देगा, ठीक है, ये आपकी लहसुन और प्याज की दोनों की पूर्ति कर देगा फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपकी लहसुन की और प्याज की दोनों की पूर्ति कर देगा गारंटी के साथ, ये देखो, ठीक है, इसे आप मिक्स कर लें आराम से, ठीक है, और इसे फिर आगे के तैयार कर दें। अब मैं एक बाउल लेता हूँ, जैसे लोग दिखाते हैं उस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ एक बाउल लेकर, ठीक है, ये देखिए हमारी चटनी की थिकनेस और हमारी चटनी, देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हो फ्रेंड्स चटनी, देखो आप, ये देखिए फ्रेंड्स हो गया ना एकदम झकास सिस्टम, अब आप कहोगे कि वाह क्या चटनी बनी है ना, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल थिकनेस की एक नंबर की है फ्रेंड्स, आप बोल रहे हो कि चीज़ बनी है आज वो बिना लहसुन प्याज में, ठीक है फ्रेंड्स, हमने आपकी चटनी बना दी है, और अब आगे आपका और हमारा मिलने का समय ये है कि मैं कई सालों से झूठ बोल रहा था, ये समझ लो झूठी बोलता था मैं कि हम लोग लहसुन प्याज नहीं डालते, लहसुन प्याज मगर हमारी चटनी में लहसुन प्याज होता था फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे पास क्या फ्रेंड्स अपनी बस की नहीं थी टेस्ट बराबर करना, ठीक है, मुझे लहसुन प्याज के बारे में समझ में आता नहीं था और टेस्ट बनता नहीं था खास, मगर फिर हम ये ऐसे ही बनाए थे, लोग झूठ बोलते थे पूरे नवरात्रों, झूठी बोलते थे फ्रेंड्स, मगर आज हमने वो चीज़ ख़त्म कर दी है, इस नवरात्र में हमने ये चीज़ ख़त्म करी है, ऊपर वाले का शुक्र है इस बार का कि मेरे को प्रॉब्लम पाप से बचाया और उसने इस तरह का दिमाग दिया कि मुझे दिक्कत नहीं हुई, और आपको भी इस तरह का मैं दिमाग दे रहा हूँ इसलिए, और
एक बात और ध्यान रखें, थोड़ी सी मिर्ची तेज रखें तो और लहसुन प्याज की आपको पूर्ति कम करनी पड़ेगी। और बाकी उसके बाद ये मसाला मैंने आपको बताया था वो मसाला आपको डाल लेना, इससे भी आपको फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा आपका, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो थैंक यू सो मच। और अगर आप मुझे कुछ पेमेंट करना चाहते हैं, मेरे काम से खुश होकर मुझे कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये रहा मेरा बारकोड। आप मुझे कुछ पैसों से सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज़रूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत रहती है, क्योंकि मैं कोई हाई फाई रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करता हूँ और मैं एक स्मॉल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप कुछ पैसों से मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं और अच्छे से मोटिवेट होकर आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला के दूँगा। थैंक यू सो मच।